भारत अब जल्द ही एयरबस C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लैस हो जाएगा। खास बात यह है कि यह विमान भारत में भी बनाया जाएगा। इसके लिए वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज कर रहे हैं। भारत के पास ऐसे कुल 56 एयरक्राफ्ट होंगे, जिनमें से 16 विमान एयरबस से इंपोर्ट किए जाएंगे और 40 भारत में ही बनेंगे। इन्हें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में ही बनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की ताकत क्या क्या है और किन किन देशों के पास ये एयरक्राफ्ट है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। साल 2021 में भारत और एयरबस के बीच 56 C-295 विमानों का सौदा हुआ था। इस सौदे की कुल कीमत $2.5 बिलियन है। समझौते के वक्त टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा मौजूद थे और इनमें से 16 विमान एयरबस बनाकर स्पेन से भारत भेजे जाएंगे। बाकी विमान नोएल टाटा की अगुवाई में बनेंगे। वडोदरा में पहला एयरक्राफ्ट साल 2026 तक तैयार हो जाएगा और सभी विमान 2021 तक बन जाएंगे। इसके बाद टाटा एडवांस सिस्टम अगले 25 सालों तक भारतीय वायुसेना के इन विमानों की देखरेख करेगी। एयरबस C-295 और 90 के दशक में विकसित किया गया था। तब इसे कासा C-295 के नाम से भी जाना जाता था। ये एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान है, जिससे सामान से लेकर जवानों तक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इससे एक बार में 9 टन सामान या फिर 71 जवानों को ढोया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट के अलावा इसका इस्तेमाल पैराशूट ड्रॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस, मेडिकल निकासी और समुद्री गश्त के लिए भी किया गया है। इसके नाम में सी कासल से लिया गया है और 2 का मतलब है इसमें 2 इंजन है। 95 का मतलब है यह अधिकतम 9.5 टन का पेलोड उठा सकता है। इस तरह इसका पूरा नाम C-295 हो गया है। इस विमान में 2 प्रैट एंड विटनी टर्बो प्रॉप इंजन लगे होते हैं, जिनसे एयरक्राफ्ट 30,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 481.52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरता है और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए हवा में ही फिक्स्ड विंग वाले एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में रिफ्यूलिंग की जा सकती है। ये विमान शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग में भी सक्षम है। सिर्फ 320 मीटर की दूरी में टेक ऑफ और 670 मीटर की दूरी में लैंडिंग की क्षमता के चलते ये छोटे रनवे के लिए काफी मुफीद है। ये लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसके पीछे लगे रैंप डोर से सैनिकों या सामान को तेजी से चढ़ाया या फिर उतारा जा सकता है। ऑटो रिवर्स क्षमता के चलते ये 12 मीटर चौड़े रनवे पर 180 डिग्री तक भी मुड़ सकता है। किन किन देशों के पास एयरक्राफ्ट है, तो दुनिया के 37 देशों में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें इजिप्ट, पोलैंड, इंडोनेशिया, भारत, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील और इसके साथ साथ 37 देश हैं। साल 1999 में स्पेन की वायुसेना ने सबसे पहले C-295 में दिलचस्पी ली और साल 2000 में 9 C-295 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। स्पेन के बाहर पहली बार पोलैंड की वायुसेना ने ऐसे 8 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिया था। इसके 2 साल तक डिलीवरी शुरू हो गई थी और इसके बाद C-295 एयरक्राफ्ट के लिए पोलैंड ने ऑर्डर दिया। जून 2012 में 5 और विमान का सौदा किया गया, जो इसे 2013 के अंत तक मिल भी गए। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।